हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू संवाला जेई। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेई का जो प्रिपरेशन है वो एक स्टूडेंट को कब करना चाहिए, वो टेंथ के बाद करना चाहिए या फिर उसको ट्वेल्थ के बाद करना चाहिए। तो देखो, काफ़ी बच्चों के माइंड में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है और काफ़ी पेरेंट्स भी होते हैं, उनके माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि मैं अपने बच्चों को तैयारी कब करवा दूँ, टेंथ के बाद ही अच्छा रहेगा या फिर मैं उनको ट्वेल्थ के बाद कर पाऊँ। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे टेंथ पास करते हैं, तो देखो टेंथ पास करने के बाद उनका रिजल्ट तो उनके पास होता है कि उनका क्या परसेंटेज आया है। तो यार, एटलीस्ट अपने परसेंटेज को देखने से पहले एक चीज़ ये आप चेक करो, आपके जो मार्क्स आए हुए हैं वो किस बेसिस पर आए हुए हैं। क्या आपने टॉपिक्स को याद कर मार्क लेके आए थे या फिर तुमने चीज़ों को समझा था उसके बेसिस पर मार्क्स लेके आए थे। अब देखो, जो याद की हुई चीज़ होती है तो उसमें क्या होता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस समय आंसर नहीं दे पाएंगे, और जब कोई चीज़ तुमने समझी होती है तो यार तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तुम आंसर दे पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुमने क्लास टेंथ पास किया है कि लिनियर मोशन क्या है तो तुम बता लोगे, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है तुम बता लोगे। अगर मैं तुमसे इस तरीके से कोई भी टॉपिक पूछूं तो यार तुमको उसका क्या है आइडिया होगा। अगर मैं तुमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछता हूं, तुमसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछता हूं तो यार तुम बता लोगे। तो यार एटलीस्ट तुम सबसे पहले ये चेक करो कि अगर तुम टेंथ पास करने के बाद सोच रहे हो आईटीआई कोचिंग, तो अपना तुम लेवल चेक करो कि यार तुम रट्टा मार मार के मार्क्स लेके आयो या फिर तुम समझ समझ के मार्क्स लेके आयो। अगर तुम क्या है रट्टा मार मार के मार्क्स लेके आयो तो यार मैं तुमको सजेस्ट ये करूँगा कि यार तुम टेंथ के बाद आईआईटी जेई की कोचिंग को अवॉइड करो। तुम क्या है एटलीस्ट अपना 11th करो, उसके बाद तुम क्या है 12th अपेयरिंग में कोचिंग के बारे में सोच सकते हो। और देखो, जब तुम 11th कर रहे हो तो समय एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखो कि यार फिर 11th तुमको समझ समझ के चीज़ें करनी है। और यार कोई बच्चा ऐसा है जिसने समझ समझ के 10th पढ़ा है, उसने रट्टा नहीं मारा है, तो यार वो डेफिनेटली 10th के बाद क्या है कोचिंग कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर मैं तुमसे बात करूँ परसेंटेज की तो मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा, यार देखो परसेंटेज मैटर नहीं करता है, क्योंकि यार देखो कई बच्चे होते हैं जिनका 60% सिर्फ होता है 10th में, बट वो जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाते हैं। कई बच्चे होते हैं जो 70% 80% होते हैं वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि 90% वाला बच्चा होता है वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो यार सिचुएशन हर बच्चे के साथ क्या अलग अलग है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि तुमने कैसे पढ़ा था, तुमने रट्टा मारा था या तुमने समझा था। अब जो भी तुम्हारे सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुमको क्या आगे बढ़ना है। तो ये तो तुम समझ रहे हो कि टेंथ में तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यार जो बच्चे ट्वेल्थ में आ गए हैं या फिर ट्वेल्थ कर चुके हैं, तो यार उनके पास तो ऑप्शन ये है कि अगर तुमने ट्वेल्थ में आ गए हो, इस बार तुम ट्वेल्थ में पढ़ने जा रहे हो, तो यार तुमने अगर सेम चीज़ अगर 11th में अगर चीज़ों को समझा है, अच्छे से समझ समझ के पढ़ा हुआ है, तुमने रट्टा नहीं मारा है, तो यार तुम 12th में कोचिंग कर लो, अदरवाइज तुम भी फिर क्या है 12th में कोचिंग अवॉइड करो, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होगा। और यार जो बच्चा 12th पास आउट है तो उसके पास तो लास्ट ऑप्शन ही है कि यार उसको कोचिंग करना ही करना है। तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर तुमने समझ समझ के पढ़ाया तो डेफिनेटली तुम कोचिंग के टुवर्ड जाओ, अगर तुमने समझ समझ के नहीं पढ़ाया तो कोचिंग के टुवर्ड बिल्कुल भी मत जाओ। अब देखो, एक चीज़ मैं तुमको और बताना चाहूँगा बहुत अच्छे से। देखो एक चीज़ बहुत अच्छे से ये समझ लो, जो बच्चे ICSE बोर्ड में हैं, ISC बोर्ड में हैं, तो यार देखो उनको तो पता है कि यार उनकी जो बुक्स है मोस्टली स्कूल्स में वो क्या है फिजिक्स में नूतन चलती है, केमिस्ट्री में भी नूतन चलती है, और मैथ्स में क्या है ML अग्रवाल चलती है। तो यार ये बुक्स क्या है बिल्कुल अच्छी हैं, उन बच्चों को क्या प्रॉब्लम नहीं होती है अपने 11th और 12th में। लेकिन जो बच्चे CBSE बोर्ड के होते हैं उनको भैया प्रॉब्लम होती है, ये मैंने बिल्कुल रियलिटी में देखा, उनको प्रॉब्लम होती है। अब सर देखो प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास होती है NCERT की बुक, फिजिक्स की होती है, केमिस्ट्री की होती है, और अगर किसी का मैथ्स तो उसकी मैथ्स की होती है। अब देखो होता क्या है, जब उसके पास बुक होती है बच्चे के पास, तो यार देखो मैथ्स को समझ में आ रहा होता है, केमिस्ट्री भी लगभग 50% ज़्यादा आ रहा होता है,
लेकिन यार फिजिक्स वो समझ में नहीं आ रहा होता है, और यार उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है कि 10th तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अब नहीं, क्यों ना जाने बच्चा अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि यार वो जो NCERT की जो बुक्स हैं वो यार काफ़ी ओल्ड पैटर्न पर हैं, और उस ओल्ड पैटर्न पर होने की वजह से वो टाइम के साथ अपडेट नहीं हुई हैं, और जब कोई चीज़ टाइम के साथ अपडेट नहीं होती है तो वो जो बुक्स होती हैं वो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है भाई, बेकार हो जाती हैं। क्योंकि यार जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उस तरीके से बुक को क्या है अपडेट होना चाहिए, लेकिन यार बुक में कुछ ऐसे अपडेट नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं कहूँ कि भाई अपडेट हुए हैं वो चीज़ें। लेकिन इसी जगह तुम अगर CBSE बोर्ड में अगर तुम नूतन की बुक ले लो, फिजिक्स की ले लो, तुम केमिस्ट्री की ले लो, तुम क्या है मैथ की बुक ले लो, RD शर्मा ले लो, RS अग्रवाल ले लो, तो यार वहाँ पर तुमको दिखाई देगा कि यार क्वेश्चन का लेवल है वास्तव में। देखो यार मैथ की मैं तुमको कहूँगा NCERT तो अच्छी है, वो मैंने देखा कि भाई काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन यार केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। तो अगर तुम उस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो जो तुम्हारी NCERT, तो भाई तुमको दिक्कत होगी, ये 100% श्योर है। तो तुमको उस बुक को क्या अवॉइड करना है, एक बार उस बुक पे क्या जाना जो मैंने तुमको बताया, मैंने तुमको नूतन की बुक बताई है फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। अब देखो इस जगह एक चीज़ तुमको ये भी ध्यान रखनी है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं जब वो 11th 12th में आते हैं तो वो बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, तो देखो मल्टीपल बुक्स को अवॉइड करो। तुम यार एक से दो बुक पढ़ो बस, एक से दो बुक्स से ज़्यादा बिल्कुल भी मत पढ़ो। अगर तुम एक सब्जेक्ट के लिए दो से ज़्यादा बुक पढ़ रहे हो तो भाई तुम अपने साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा तुम्हारे पास हो जाए कि तुम उसको क्या मैनेज नहीं कर पाओगे। तो यार एटलीस्ट अगर तुम्हारा 11th और 12th का बेस स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली तुम्हारा जो IIT JEE का जो लेवल है वो डेफिनेटली क्या स्ट्रांग हो जाएगा। देखो तुम एक एग्जांपल समझ सकते हो, बेसिक एग्जांपल से, जब देखो कोई मकान बनाया जाता है तो मकान बनाते समय सबसे पहले उसका जो बेस होता है जिसको तुम नींव कहते हो, तो उसकी जो नींव होती है वो क्या मजबूत रखी जाती है। क्यों? अगर बेस अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर जो मकान तुम बनाते जाओगे वो जाके क्या गिर जाएगा। तो वो तुम्हारी जो बिल्डिंग तुम बनाने जा रहे हो, तुम अपना IIT JEE करने जा रहे हो, अगर तुम्हारा 11th 12th बेस क्या है वीक हो गया तो फिर तुम्हारा IIT JEE का जो सफ़र है आगे का जर्नी है वो क्या है तुम्हारा क्या है कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगा। और जो तुम कोचिंग में पैसा लगा रहे होगे, अपनी 11th 12th के स्कूल में पैसा लगा रहे होगे, वो सब कुछ फीस तुम्हारी क्या बर्बाद हो जाएगी। तो उस फीस को तुमको क्या बेकार होने से बचाना है, और इसके लिए तुमको क्या एटलीस्ट अपने 11th 12th को जरूर जरूर स्ट्रांग करना है। अब देखो कुछ बच्चे जिनका तो 10th तक स्ट्रांग होता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब बच्चों का 10th तक भी बेस कमज़ोर होता है तो यार उनको फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए एटलीस्ट तुमको क्या है अपना जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। मैंने तुमको बुक भी बताया, और यार अगर तुम किसी अदर बोर्ड से हो तो यार मैं अदर बोर्ड वालों को ये भी बताना चाहूँगा कि यार जैसे मैंने देखा हुआ है कि जो नूतन की बुक होती है वो क्या UP बोर्ड में भी आ रही है, इंग्लिश मीडियम में भी आ रही है, और हिंदी मीडियम में भी आ रही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो यार अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो मैं तुमको बताना चाहूँगा कि यार नूतन की जो बुक है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल है, और ऑलमोस्ट क्या है मैंने देखा कि भाई CBSE का भी मैंने देखा, ISC का भी देखा मैंने, और UP बोर्ड का भी देखा है। तो यार मैंने तीनों बोर्ड का बिल्कुल अच्छे से देखा। और यार अगर तुम किसी अदर बोर्ड से हो तो यार एक बार चेक कर लो क्या बुक्स तुम्हारे बोर्ड में भी नूतन की अवेलेबल हैं कि नहीं, और अगर यार अवेलेबल है तो तुम ले सकते हो और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ओवरऑल मैंने तुमको ये समझाया कि भाई 10th के बाद अगर कर रहे हो, सोच रहे हो, तो तुमको किस चीज़ के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए, और अगर तुम नहीं करने की सोच रहे हो तो भाई तुमको क्या है कैसे चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। अगर तुम ओवरऑल इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे और समझोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे होगी। और यार प्रिपरेशन के समय बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, ये तुम्हारा एक थोड़ा लॉन्ग जर्नी होती है जहाँ तुमको क्या है एक स्टेप बाय स्टेप क्या चलना होता है। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे और तुम्हारे स्टेप अगर सही तरीके से होंगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा। और यार इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।